हर हर महादेव। हेलो जी, गुड मॉर्निंग इंटरनेट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे एक नंबर जबरदस्त होंगे। मेरा नाम हरिदर्शन थापा और मेरे गांव का नाम है दुनागरी, जहां से मैं अभी नीचे जा रहा हूं मार्केट के लिए। और मार्केट है यहां से 14 किलोमीटर नीचे जो है दोरहाट पे, और मैं जा रहा हूं अभी मार्केट के। कुछ दिन पुराना आप लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा होगा, कुछ दिन पहले मैं गया था मार्केट पे जहां देने के लिए माल्टे लेने के लिए गया था, क्योंकि उसका बनाना था हमें जूस बनाने के लिए हम लोग गए थे माल्टा देने के लिए। तो मार्केट में हम लोग माल्टा दे के आए थे बढ़िया तरीके से, और आज मैं उसको लेने के लिए जा रहा हूँ, उसको लूँगा वहाँ से। और भी कुछ छोटे मोटे काम है बाज़ार पे, तो वो सारे कामों को करूँगा। पर आज तो बहुत बढ़िया सी धूप खिली है पहाड़ों पर, बर्फ़ का इंतज़ार तो लगातार था ही, पर बर्फ़ तो हुई नहीं अभी भी। पर हाँ, धूप खिली है, वो भी एक अच्छी बात है, क्योंकि आराम मिल रहा है धूप में। ऑफिस का काम आज थोड़ा जल्दी से निपटाया मैंने, और अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट की दिशा में। आज मार्केट जाने का कारण कुछ ऐसा भी है कि कल मैं निकल रहा हूँ यहाँ से कहीं की ओर को क्या मैं जा रहा हूँ दिल्ली की ओर को। दस मिनट तो जाके भी क्या करना है, मैं जा रहा हूँ दिल्ली की ओर को। तो मैं कल यहाँ से निकले हूँ बिनसर महादेव। पहाड़ों में ना जंगली जानवरों का खतरा कभी भी बन सकता है, पिछली बार मैंने आप लोगों को शायद बताया भी था। उसके बाद ना उसके अगले दिन ही मेरा एक दोस्त आ रहा था ऊपर को बाइक लेके, तो उसको ना यार वो मैंने बहुत कुछ दिन आप लोगों को बताया था, शायद आप लोगों ने ब्लॉग देखा होगा। तो यहीं पर जब मैं ब्लॉग स्टार्ट कर ही रहा था उस समय, तो यहीं से नीचे से ना कुछ जंगली जो सुअर होते हैं जिनको यहाँ पे बराह कहा जाता है, तो बराह कुछ यहाँ से नीचे को जा रहे थे, तो उस समय तो मैं तो बच गया था। पर बाद में वो बाइक में आ रहा था तो एकदम रोड पे सारे निकल के बोला एक साथी, वो एकदम डर गया था लड़का। तो जी, सांस्कृतिक नगरी दोरहाट में आपका स्वागत है, और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में और मेरे इस ब्लॉग में। तो यहाँ से दोरहाट है 2 किलोमीटर, जो मैं लगातार आप लोगों को अपने ब्लॉग के माध्यम से बताता हूँ। तो यहाँ पर है साईं बाबा का मंदिर, ऊपर पे एक साईं बाबा जी का मंदिर बना हुआ है। पहले से यहाँ पर यूनिवर्सल गवर्नमेंट स्कूल भी चलता था, पर अभी यूनिवर्सल गवर्नमेंट स्कूल चलेंगे मार्केट से उधर पे। गाय भी बढ़िया से यहाँ पे धूप सेक रही है आराम से बैठ के नहीं, खड़े खड़े पीछे बैठी हुई थी ना रोड के बीच में आराम से आंखें बंद करके धूप सेक रही है। तो जी मैं पहुंचूंगा दोरहाट मार्केट के पास में। मार्केट में थोड़ा सुनसानी ही सी है अभी तो फिलहाल, नीचे नीचे जाके देखते हैं नीचे नीचे कैसा माहौल बना हुआ है। कत 360 रुपये तो मैं आया था जूस लेने के लिए, और यहाँ पर से दे रहे हम लोग जूस। ये बन चुका हमारे जूस की बोतल, तो इसके बड़े मुझे 320 रुपये जूस दे। आम लगे रखे हैं चार बनाने के लिए, अंदर सारा जूस का काम हो रहा है। तो मैं लेके आया था 9 केजी कुछ माल्टे, और मैंने दिए थे यहाँ पे 8 केजी करीबन चीनी, उसका मुझे मिल गया लगभग 16 लीटर करीबन मुझे मिल गया है यहाँ पे जूस। चाची ने मंगाया है कुछ एक्स्ट्रा जूस, वो मैं यहाँ से ले रहा हूँ। जूस लेने में गया हुआ था, जूस मैंने ले लिया जिसके मुझे देने पड़े 320 रुपये। 9 किलो करीबन मैंने जूस दिया था जैसे मैंने बताया। तो अभी मैं जा रहा हूँ पेट्रोल पम्प की दिशा में, जहाँ से मुझे भरवाना है पेट्रोल। तो बाइक पर थोड़ा सा पेट्रोल भरवाते हैं, उसके बाद चलेंगे घर की ओर को। तो जूस ऐसा करूँगा मैं संतोष दाई आए हुए हैं तो दाई की गाड़ी में रखवा दूंगा जूस, जाके घर पे सीधे जूस चले जाएगा और मुझे बोकना नहीं पड़ेगा एक्चुअली गाड़ी में। दादी 110 का कर देना। चलो फिर चलो। तो यहाँ पर मिले मुझे दो भाई लोग, ये आए हुए हैं दिल्ली से बाइक में, और इन लोगों की छुट्टियाँ चल रही होंगी तो घूमने आए हैं दुनागरी। तो यहाँ पर जो है ना टूरिस्ट बहुत बाहर बाहर से भी पहुँचता है,
उन्हीं में से ये दो भाई लोग अपने साथ मिले हैं, ये लोग आए हैं दिल्ली से, इन्हें हम लेके जाएंगे ऊपर पांडवी नागरी तक, देखते हैं